हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 20 का। 20 को मार्केट, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि अगर हम 19 को देखें, 19 को मार्केट इस जोन पे जाके, जो 17,950 का जोन था, इस पे एक रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा था और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। आपको यहीं से ही सीधी गिरावट देखने को मिलेगी और जहां पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 17,650 पे एक सपोर्ट दिखाई दिया और मार्केट ने सीधा इस तरीके से आपको गिरावट दिखाई। सेम ही पैटर्न लगभग आप देखेंगे, यहाँ पे हमें एक तरह का एक रेंज दिखाई दे रही है मार्केट की, एक चैनल कह सकते हैं आप, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी में तो हमें जो ये पूरा मार्केट है ये रेंज के अंदर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, मैंने आपको यहां पे मेंशन किया है, आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है। ऊपर देखेंगे, ऊपर यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इस एरिया में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने इस पे एक्ट किया है। फिर ब्रेकआउट देके मार्केट ने इस पे सपोर्ट भी लिया है। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि हमें ब्रेकआउट मिल चुका है इसका? देखो, कई बार अगर हम थ्योरी के हिसाब से चले या प्रैक्टिकल जो चीजें हमें दिखाई दे रही है उसके हिसाब से चले, तो यहां पे क्लियर क्लियर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार ये धोखा देने के लिए भी दिखाया जाता है कि लोग बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाएंगे या एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके बैठ जाएंगे और मार्केट एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे 17,800 पे मान सकते हो आप, या 17,850 पे मान सकते हो आप, इस जोन में एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और अचानक गिरावट दिखा दे। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी पीछे देखी गई है। धीरे धीरे आप भी ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए, वॉल्यूम कितना आ रहा है, या बायर्स किस तरीके से मार्केट को ले जाना चाहते हैं, या सेलर्स का मूड क्या है, वो सारी चीजें देख के ही आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आपको 1% भी डाउट रहे कि मार्केट आज आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, कि दिखाने को पॉजिटिव दिखा रहा है लेकिन हो सकता है हमें नहीं लग रहा कंफर्म कि पॉजिटिव जाएगा, तो दूर रहना मार्केट से, कोई भी छेड़खानी नहीं करना। लेकिन अगर मार्केट इसी के अंदर वापस एंटर हो जाता है तो हमें पता है सपोर्ट कहां पे लेगा। यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी जोन के आसपास सपोर्ट ले। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 17,850 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,950 पे हमें आपको दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी बात करें, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,650 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,600 जो है अगले रेजिस्टेंस के रूप में, आप उस अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। नीचे हम कहीं की बात कर रहे थे सपोर्ट की, ऊपर हमने कहीं का डिस्कशन किया, रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करें 17,823 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,743 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, वहीं पर अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। अब क्या क्या लेवल होंगे ये देखते हैं हम पैवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 17,833 है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 17,891 है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,983 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करेगा निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,740 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,684 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन होता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,606 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। यहाँ पे आप देखेंगे 27 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 41.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप 18,000 पे देखेंगे 76.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे आप देखेंगे 21.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,600 पे 21 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।